क्लास स्टार्टेड आज तक। धन्वंतरि समारंभाम् शिवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम। विरुद्धाहार में अभी तक हमने 12 प्रकार के अलग अलग विरुद्ध देखे थे, अलग अलग तरह से आहार का वर्गीकरण किया, उसमें क्या क्या विरुद्ध होते हैं उसकी बात हमने देखी, और विरुद्ध अन्न कैसे हमको हानि करता है वो भी हमने देखा। धीरे धीरे वो टॉक्सिन शरीर में रह जाते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं और घोरान व्याधि सृजति अर्थात घोर व्याधि को, बहुत बड़े रोगों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज को जन्म देते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम ये जरूरी है कि विरुद्ध आहार को जानना और विरुद्ध आहार का सेवन किस तरह से कर सकते हैं, किस सकते हैं उसके बारे में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहला तो ये रहा कि विरुद्ध आहार को पहले जानना है, उसके बाद छोड़ने का भी क्रम आएगा तो किस तरह से छोड़ना है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का सेशन, पहले हमने देखा था कि विरुद्ध आहार कितने प्रकार के होते हैं, उसमें 12 प्रकार के हमने कह दिए हैं। आगे से अभी हम आहार को कहने वाले हैं, तो सबको सुनाई देता होगा, अभी नहीं सुनाई देता है तो आप बताइए मैसेज करके, बहुत लोग बता रहे हैं नहीं सुनाई देता है, तो यहाँ से कुछ सेटिंग ठीक करते हैं और बाद में हम शुरू करते हैं। तो आवाज सबको आ रही है ना? आ रहे आचार्य जी, परफेक्ट है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। पिछली बार हमने परिहार विरुद्ध देखा था, उसके बाद हम उपचार विरुद्ध की बात करते हैं। उपचार अर्थात होता है चिकित्सा। जब हमारी चिकित्सा चल रही होती है तब कुछ आहार विहार की वैद्य हमको मनाई करते हैं, तो उस समय केवल ऋतु देखना नहीं होता है, केवल समय भी नहीं देखना होता है, लेकिन हमारे रोग भी देखने होते हैं, हमारी स्थिति भी देखनी होती है। इसके लिए कोई विशेष चिकित्सा चलती हो तो कोई कोई फूड खाने का मना कर दिया जाता है। जैसे कोई भी प्रकार की रस औषधि चलती हो तो बैंगन नहीं खाया जा सकता है। तांदल जा करके एक भाजी आती है, वो भाजी पत्ते ऐसे बहुत उपयोगी है वो, लेकिन जब रस औषधि चलती है तब उसको नहीं खाया जा सकता है। धूप में नहीं निकला जा सकता है, क्योंकि रस औषधि का सेवन यदि हम कर रहे हैं तो धूप हमको छोड़नी पड़ती है। उसी तरह से रस औषधि का सेवन करते हैं तो गर्म पदार्थ को छोड़ देना होता है। तो ऐसे अनेक नियम होते हैं, वो हम जब उपचार करते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो वो चिकित्सा के साथ साथ वो नियम आ जाते हैं। अब आजकल के लोगों को ये पता नहीं है, बाजार में गए, दुकान से रस औषधि ले ली, रसराज रस ले लिया, जय मंगल रस ले लिया, लेकिन धूप में घूमना चालू किया, लेकिन बैंगन का साग खाना शुरू किया, सब्जी खाना, और वैद्य के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो एक 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 को समझाए। इसके लिए जो रस औषधि की असर आनी चाहिए वो नहीं आ सकती है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया कि जो आपकी चिकित्सा चलती हो उसका ही असर नाबूद करे ऐसी चीजें आपको नहीं खानी। जैसे होम्योपैथी में भी ऐसा कहा जाता है, होम्योपैथ दवाई चालू है तब दूध चाय चाय कॉफी इत्यादि नहीं पी सकते हैं। चाय और कॉफी में से भी कहना हो तो कॉफी बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, उसके होम्योपैथिक दवाई की इफेक्ट चली जाती है। सुगंध वाली वस्तुएं बहुत दुर्गंध करती हो, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, वो नहीं खा सकते हैं, हींग हो गई वो नहीं खा सकते हैं होम्योपैथिक दवाई के खाते समय या खाते दौरान। तो जब जब होम्योपैथिक दवाई हमारी शुरू होती है
तब तब ये चीजें मना करते हैं होम्योपैथ डॉक्टर। और एक पेथी में ऐसे नियम अलग अलग प्रकार के हैं कि ये दवाई चालू है तो ये नहीं खाना है, चाहे कोई भी प्रकार की ऋतु हो, चाहे वो ऋतु में हो बताया गया हो खाने का। जैसे मूली है वो मार्गशीर्ष महीने में खानी चाहिए, भाद्रपद महीने में नहीं खानी चाहिए। भाद्रपद महीने में खाई तो काल विरुद्ध होगा वो, क्योंकि वो उसका काल नहीं है। मूली के बाद ऐसा कहते हैं मूली के बारे में कि भाद्रपद महीने में कोई 1,00,000 रुपया दे और आपको कहे अभी श्राद्ध का समय आ रहा है, तो उस समय यदि कोई कहे कि 1,00,000 रुपया दूंगा आप मूली खा लो, तो मूली को मत खाना, सौदा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अनेक प्रकार के रोगों मूली करती है। और मार्गशीर्ष महीना आएगा जिस समय गीता जयंती आती है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः, तो ये गीता जयंती जिस समय आती है वो मार्गशीर्ष महीना वसंत ऋतु, तो उस समय मूली 1,00,000 रुपये की है तो खरीद कर खाए। वहां पर कोई 1,00,000 रुपया दे तो भी नहीं खाना, सौदा महंगा पड़ेगा। यहाँ पर 1,00,000 रुपये की मूली हो और यदि खरीदना पड़े तो खरीद कर खाना सस्ती है, क्योंकि वो इतना लाभ देती है। लेकिन वही मूली जब सफेद दाग हो जाए, ल्यूकोडर्मा हो जाए, तब वो सफेद मूली का ही मना हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सफेद रंग की है, तीक्ष्ण है, इसके लिए उसके मनाई हो गई। तो ऐसे अनेक, तो उसको यदि खाएंगे तो काल विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन उपचार विरुद्ध होगा, चिकित्सा के विरुद्ध होगा। क्योंकि वो चिकित्सा जब हम करते हैं तो कोई प्रकार की औषधियां लेते समय किसी कोई प्रकार के आहार को छोड़ना रहता है। यदि हमने नहीं छोड़ा तो उपचार विरुद्ध होता है। एक तरफ तो हम अपना उपचार करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी चीजें खाना चालू रखते हैं जो और रोग को बढ़ाती हो और औषधि का ही असर नाबूद करती हो। जैसे बहुत पहले गुरुजी ये उदाहरण देते थे बालकों को कि जैसे हमने गैस पर पतीला रखा है, पानी गर्म हो रहा है, अब वो पानी गर्म हो रहा है ठंडा करना है उसको, तो कितना बर्फ डालना पड़ेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, कितना बर्फ, 1, 20 किलो, 40 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1,000 किलो, कितना बर्फ चाहिए? 1,000 किलो बर्फ डाल दोगे, 2 टन बर्फ डाल दोगे तो भी पानी ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे से उसका कारण मौजूद है, गैस चालू है, बर्फ डाल दिया, थोड़ी देर पानी ठंडा हुआ, फिर गैस चालू है, फिर गर्म हो गया, फिर बर्फ डाला, फिर ठंडा हुआ, गैस चालू है, फिर गर्म हो जाएगा, फिर डाला, फिर ठंडा हुआ, फिर गैस चालू है, गर्म हो जाएगा। सबसे पहला काम बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? गैस को बंद कर दो। उसको आयुर्वेद में कहते निदानम परिवर्जनम, सर्वेशाम एव रोगाणाम निदानम परिवर्जनम। निदानम अर्थात कारण, कारण। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? कारण को हटा देना है, कारण को छोड़ देना है। जो कारण बनता है रोगों का उसको यदि हम रखेंगे, साथ में दवाई भी लेंगे, साथ में विरुद्ध आहार भी करेंगे, तो ब्रह्मा भी या धन्वंतरी भी कोई भी व्याधि को मिटा सकते नहीं। क्योंकि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये कहता है कि पथ्यादेव निवर्तन्ते, पथ्य से ही सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। पथ्य किया, पथ्य का पालन किया और बाद में औषधि ली तो औषधि बहुत कार्य करती है, लेकिन औषधि के समय पर पथ्य पालन नहीं किया तो औषधि इतनी कार्य नहीं कर सकती है, नहीं करती है। इसके लिए उदाहरण बताया है ये उपचार विरुद्ध का। चिकित्सा जब भी कोई रोग की आप कर रहे हैं उसके बारे में हम एक एक रोग के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं, किस रोग में आपको क्या छोड़ना है वो एक एक को तो समझा नहीं सकते हैं, उतना समय नहीं होता है। इसके लिए रोग वाइज पथ्या पथ्य की एक पुस्तक अभी लगभग 3 महीने के बाद निकालने वाले हैं, तो 2 या 3 महीने में ये काम यदि हो जाएगा तो एक एक रोगों के ऊपर आयुर्वेद में क्या छोड़ने को बताया है और क्या लेने को बताया है। आयुर्वेद का आहार शास्त्र इतना गहन है
कि ऐसे वैसे व्यक्ति को तो वो पले ही पड़ता नहीं है बुद्धि से, तो कोई चीज कोई विशेष चिकित्सा में किसी चीज को नहीं ले सकते हैं, वही दूसरे रोगों में वो चीज को ले सकते हैं। तो इसको एक 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 रोगों को समझना पड़ेगा और फिर उसका महत्व समझकर हम के अपने आहार द्रव्य को ऐसे ही हमारे भोजन व्यवस्था रखनी पड़ेगी ताकि हम बीमार ही न पड़े। केवल बीमार न पड़े उतना स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन हम मन से आत्मा से इंद्रिय से प्रसन्न रहे वो भी एक स्वास्थ्य का भाग है। दूसरी पथी में बीमार नहीं होता है वो स्वस्थ होता है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। जो बीमार नहीं होता है जरूरी नहीं है वो स्वस्थ हो। बीमार बहुत लोग नहीं है, लेकिन कम कह नहीं सकते हैं कि सभी व्यक्ति स्वस्थ है। उसका कारण बीमारी केवल शरीर की नहीं गिनते हैं, बीमारी मन की भी, मन के स्तर की भी हो सकती है, इंद्रिय के स्तर की भी हो सकती है, आत्मा के स्तर की भी हो सकती है। इसके लिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य की व्याख्या दी है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जो ये वस्तुएं जिसके शरीर पे मन पे बुद्धि पे है वो व्यक्ति सही अर्थ में सच्चे अर्थ में स्वस्थ है। तो आज स्वास्थ्य का रेशियो कितना आएगा ये सब प्रकार का यदि स्वास्थ्य देखे तो मुश्किल से 1% व्यक्ति भी स्वस्थ है ऐसा हम नहीं बता सकते हैं पूरे भारत में। तो ये हमने बात की। आगे प्रकृति का जब बात आएगी तो हम कहेंगे कि पूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है, पूर्ण स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है। तो ये तो अभी इतना था कि कोई विशेष प्रकार की चिकित्सा चल रही हो तब आपको कुछ खाने को मना कर दिया जाता है और उसका सेवन यदि आप करेंगे, भले वो काल हो, भले वो देश हो, भले वहां वो वस्तु होती हो और वो वस्तु फिर बहुत उपयोगी हो, बहुत गुण वाली हो, तो भी उस समय वो विरुद्ध हो जाएगी। इसको हम कहते हैं उपचार विरुद्ध। अब आगे देखते हैं, आगे का उदाहरण पाक विरुद्ध का है। पाक अर्थात विलक्षण तेज संयोगो पाक, विलक्षण तेज का संयोग होना उसको पाक कहते हैं। पाक से रूप रस गंध स्पर्श बदल जाता है द्रव्य का। जैसे गाय को तृण खिलाया, घास खिलाया और गाय के जठराग्नि में पाक हुआ, पाक हुआ तो ये पूरे के पूरे जो घास के परमाणु थे वो बदल गए और उससे दूध हुआ। दूध में हमने छाछ डाल दी तो दूध में पाक शुरू हो गया, उससे दही बन गया, दही को मंथन किया, मक्खन बन गया। उस तरह से आगे 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 की प्रक्रिया चालू होती है, उसको हम पाक कहते हैं। पाक होने पर रूप रस गंध स्पर्श सब बदल जाता है। आम कच्ची होगी, पक्की हो जाएगी तो सब बदल जाएगा, इसको हम कहते हैं पाक। अब कोई कोई पाक कोई कोई पर नहीं कर सकते हैं, जैसे दही को गर्म नहीं कर सकते हैं, मधु को गर्म नहीं कर सकते हैं, वो संस्कार विरुद्ध में आ जाता है ऐसे तो। लेकिन पाक के विरुद्ध के ऐसे ही उदाहरण है, चावल आदि द्रव्यो है तो चावल को अधिक पकाकर खाना, जल जाए उतना पकाना वो भी गलत हो जाएगा, और इतना पकाना कि वो कच्चे रह जाए तो भी वो गलत हो जाएगा। इसके लिए पाक कई बात आयुर्वेद में बताई है कि किस द्रव्य को कैसे पाक करेंगे। जैसे हम चावल खाते हैं इस तरह से गेहूं को खाना, तो वो पाक गेहूं का नहीं बताया है जैसे चावल का बताया है। चावल हम ऐसे ही चावल करके खा सकते हैं, लेकिन उस तरह से गेहूं नहीं खा सकते हैं, उस तरह से बाजरी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि विशेष पदार्थ का पाक विशेष अवस्था में बताया है। तो ये एक पाक विरुद्ध का उदाहरण भी आप याद रख लीजिए कि पाक की एक विधि है और वो पाक उसी तरह से होना चाहिए। आजकल जो सबसे ज्यादा रोग हो रहे है वो ये पाक विरुद्ध के कारण हो रहे हैं। हमको जैसा ठीक लगा ऐसा हमने पका लिया, खास करके जो आलू की चिप्स बनती है तो उसको डीप फ्राई नहीं करना है। आज जितनी भी चिप्स आती है डीप फ्राई करके आती है तो उससे बहुत सारे रोग होते हैं,
उससे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके कारण घुटनों का दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द। वो हमको एकादशी की आदत है कि उस समय हम वेफर्स खाते हैं, उस समय ऐसी हम नमकीन खाते हैं और कहते हैं कि हमारा उपवास है। आलू की, दूसरे दूसरे पदार्थों की, वो बहुत भारी हो जाती है, पाक विरुद्ध होती है। क्योंकि ये तो अच्छा है कि एक बार के ही तेल में उसको तली हो, लेकिन जब उसके दो तीन तेल बदल कर उसके बाद जो तेल बचता है उसमें फ्री रेडिकल्स जिसको कहते हैं बहुत होते हैं, और वो बहुत ही उष्ण हो जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से, बहुत विष पैदा करता है शरीर में से। यूरिक एसिड जैसे द्रव्य बढ़ जाते हैं, वो द्रव्य बढ़ने के कारण हमारा शरीर पूरा अम्लता से भर जाता है और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग हमको होते हैं, ये पाक विरुद्ध खाने के लिए खाने के कारण। आज YouTube पर देख लीजिए, हर एक व्यक्ति रसोई के बारे में बता रहा है, पाक कैसे करना है किसी को पता नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति किचन के वीडियो बना रहा है। कोई भी उठा और बता रहा है कि किस तरह से आपको किचन में रसोई बनानी है, किस तरह से आपको पकाना है, क्या क्या खाना है और क्या क्या उसमें मिलाना है। अब एक को भी वो पता नहीं है कि ये जो मैं मिला रहा हूँ उससे बहुत सारा विरुद्ध होता है। और ऐसे ऐसे सीख कर YouTube वीडियो से बहुत लोग अपने जीवन में रोगों को आमंत्रण देते हैं कि ऐसा आहार खाया, अर्थात आपने रोग को सामने से बुला लिया। तो इसको सीखने की जरूरत है कि कभी कभी हम पाक विरुद्ध खाते हैं, एक द्रव्य के साथ दूसरा द्रव्य उस तरह से नहीं खाया जा सकता है, कोई पदार्थ को गर्म नहीं किया जा सकता है, कोई पदार्थ को ठंडा नहीं खाया जा सकता है, कोई पदार्थ को बासी नहीं खाया जा सकता है, कोई पदार्थ को गर्म गर्म नहीं खाया जा सकता है। तो ऐसे अनेक प्रकार है आहार द्रव्यों को देखकर, तो इसको हम मनचाहे रीत से पाक करते हैं, मनचाहे रीत से उसको हम बना लेते हैं, बनाकर टेस्टी लगे ये एक ही ध्यान रखते हैं, और फिर ऐसा आहार यदि हम करते हैं तो बहुत सारे रोग हमको होने की संभावना है और बहुत सारे रोग होते हैं। तो आयुर्वेद में अग्नि की भी बात की गई है, कैसी अग्नि में पकाना है, किस तरह की अग्नि होनी चाहिए, तो इसका भी बहुत वर्णन है। किस तरह के पात्र होने चाहिए उसका भी बहुत वर्णन है, किस तरह का आहार द्रव्य होना चाहिए और उसको किस में पकाना चाहिए और इसमें कितना पानी डालना चाहिए और इसमें स्वाद के लिए क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, उसका विवरण पूरे के पूरे संहिता ग्रंथों में बताया गया है, किया गया है। तो ये हम समझ लेंगे तो किस तरह का पाक नहीं होना चाहिए, कैसा पाक नहीं करना चाहिए, वो हम अच्छी तरह से समझ ले सकते हैं। जैसे एक ही बार पाक करना है, एक बार दाल गर्म हुई तो दूसरी बार उसको गर्म नहीं करनी है, वो तामस हो जाती है। आज सब संप्रदाय वाले प्याज और लहसुन को तो जानते हैं, लेकिन वही लोग एक बार यदि दाल गर्म हुई वही दाल दूसरी बार गर्म करके खाते हैं दोपहर की शाम को, दोपहर के बाद में, तो वो तामस हो गई। मैंने एक जगह पर मठ में ऐसा पूछा स्वामी जी को कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी बार दाल गर्म करके खाते हैं, बोले उसमें क्या तकलीफ है। मैंने कहा गीता में बताया है, आप तो संत हो, वेदांत के भाष्य पढ़े ही होने चाहिए आपको, तो 17वें अध्याय में बताया है, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चयत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। यह तामस आहार की व्याख्या भगवान ने कही है, उसमें यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चयत्, उसमें दूसरी बार किया हुआ गर्म किया हुआ अन्न को भी तामस की व्याख्या में लिया है। तो अनेक प्रकार से हम ऐसे अन्न दूषित खा रहे हैं, तो बार दूसरी बार गर्म नहीं करना है, बार बार गर्म नहीं करना है कोई चीज को, तो विरुद्ध वो होता है, पाक विरुद्ध हो जाता है। एक बार से गर्म करके यदि दूसरी बार किया, ठीक तरह से पकाया नहीं, जल्दी जल्दी में पका लिया, तो वो पाक विरुद्ध होता है। पाक की विधि अनुसार वो बना नहीं है, इसके लिए वो पाक विरुद्ध है। तो पाक जिस समय जिसको जितना देना है, जिस समय जिसको जितना होता है, तो वो पाक विरुद्ध कहा जाए, तो उसके उस विधि को फॉलो न करते हुए जो होता है वो पाक विरुद्ध होता है। आगे
15वें नंबर पर हम देखते हैं संयोग विरुद्ध। किसी किसी का संयोग स्वभाव से ही विरुद्ध होता है, जैसे दूध का और अम्ल का संयोग हो जाए तो दूध फट जाता है, वो हमको पता है कि दूध में कोई खट्टी चीज पड़े तो वो तुरंत ही फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों का संयोग ठीक नहीं। दूध बाहर फटता दिखाई देता है, इसके लिए हम अंदर खाते वक्त दूध के साथ खट्टी चीजें नहीं खाते। विदेशों में ये खाई जा सकती है, लेकिन लगभग लगभग भारत के प्रांतों में तो लगभग ऐसा कोई नहीं खाता है। जैसे बहुत खट्टी चीजें इमली जैसी हो वो दूध के साथ नहीं खाते है, संयोग विरुद्ध हो जाता है। दोनों का संयोग ही ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को मार देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हमको पॉइजन बना देंगे और हमारे शरीर में किसी प्रकार का विष तत्व को उत्पन्न करेंगे। तो वो अनेक प्रकार के द्रव्य है, उसके संयोग विरुद्ध भी अनेक प्रकार के है, किसके साथ क्या नहीं जमता है वो भी देख लेना चाहिए। साधारणता से हमको वो पता है कि किसी किसी का संयोग तो योग्य होता ही नहीं है, तो ऐसी चीजें न खाएं, जैसे प्याज और दूध का, लहसुन और दूध का, इमली और दूध का, अति खट्टे पदार्थ और दूध का, जो बाहर ही दूध को फाड़ देते हैं, उसको कम से कम दूध के साथ नहीं खाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम बाहर देखते हैं कि ये दो द्रव्य संयोग में ठीक नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध है, तो वो दोनों द्रव्यों को एक साथ नहीं खाना है। उससे जो विरुद्ध होता है यदि खाया और होता है वो है संयोग। ये दोनों का योग कुदरत ने बनाया नहीं है, ये दोनों का संयोग कुदरत चाहती नहीं है, ये दोनों का संयोग कुदरत के क्रम के अनुसार नहीं है, इसके लिए ऐसे दो द्रव्य को खाना उसको कहा जाता है संयोग विरुद्ध। जैसे आग और पानी, ये दोनों का संयोग कुदरत के मत से ठीक नहीं है, इसके लिए पानी आग को बुझा देता है और पानी होगी वहां आग नहीं लगती है। ये हम बहुत बार बचपन से देखते आए हैं, सालों से देखते आए हैं कि ये दोनों का स्वभाव अलग अलग है, विरुद्ध है, इसके लिए दोनों का संयोग वो होता ही नहीं है। तो इसके लिए संयोग विरुद्ध को आप ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारे संयोगों को आप अपनी बुद्धि से भी देख सकते हैं कि ये संयोग है तो इसका संयोग योग्य उचित नहीं होगा। अति शीत द्रव्यों का और अति उष्ण द्रव्यों का भी संयोग हमने किया मिलाया तो वो योग्य नहीं होगा। ठंडे और गर्म पदार्थ को मिलाया वो संयोग योग्य नहीं होगा। खट्टे पदार्थ को दूध को मिलाया वो संयोग योग्य नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं कि उसका संयोग विरुद्ध हो, उसका संयोग कुदरत न चाहती हो, उसके संयोग से विभिन्न प्रकार की प्रोसेस होती हो द्रव्य में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखना है। तो ये संयोग विरुद्ध की बात हमने यहाँ कही। आगे रुद्य विरुद्ध है। रुद्य होता है हृदय, हृदय विरुद्ध अर्थात जो हृदय को अच्छा नहीं लगता है तो भाव के साथ उसका संबंध है। जैसे भोजन बन रहा है और किसी ने उसमें थूक दिया, मक्खी आकर गिर गई, कुत्ता आकर चाट दिया, तो हम क्या करते हैं वो पदार्थ को? यदि देखा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि देख लिया तो हमको एक, यदि वो खाना भी पड़े तो हम प्रसन्नता पूर्वक नहीं खा सकते उसको, तो क्या हुआ? हृदय विरुद्ध हो गया। मानो कि आहार है, बहुत अच्छा बना है, उसमें आपके सामने किसी ने थूका, मतलब उसने थूक दिया मुंह से, थोड़ा जरा सा थूका, उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग करवाइए, उतने ही प्रोटीन होंगे, उतने ही विटामिन होंगे, सब कुछ एनालिसिस करवाइए, पहले का और उसके बाद का। उसने जरा सा थूक डाला है, इतना बड़ा दूध पाक है, इतनी बड़ी खीर बनाई है और इतना सा थूक है, लगभग लगभग थोड़ा सा थू ऐसा किया है उसने बस, और फिर हम मिला देंगे पूरा और उसके बाद एनालिसिस करवाएंगे, सभी प्रोटीन विटामिन सभी प्रकार के
न्यूट्रिशंस उसमें होंगे तो भी व्यक्ति वो खाएगा। अब ऐसे सही अर्थ में वैज्ञानिक है वो, मतलब जो विज्ञान को मानता है मॉडर्न विज्ञान को, तो मॉडर्न विज्ञान के मत से तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वो मॉडर्न विज्ञान को मानने वाला वैज्ञानिक भी शायद ही उसको खाएगा, लगभग नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? रिपोर्ट तो सारे ऐसे है पहले के जैसे ही, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो अच्छा न लगना और हम यदि खाते हैं तो उसको कहते हैं हृदय विरुद्ध, क्योंकि आहार में बताया गया है हृदय की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कम से कम भोजन करते वक्त क्रोध न करे, ऐसे क्रोध न करे तो जीवन भर अच्छा है, लेकिन क्रोध करना पड़े तो भोजन के समय पर कम से कम कोई लोग क्रोध न करे। भोजन के समय पर यदि हम क्रोध करते हैं तो उसके परिणाम कंटिन्यू हमारे रक्त पर होते रहते 28 दिन तक, क्योंकि रक्त धातु 28 दिन तक बनती रहती है एक भोजन से, तो उसका परिणाम हमारे खून पर पड़ता है। कम से कम भोजन के समय पर कोई काम चेष्टा वार्तालाप न करे, कामुक वार्तालाप कामुक दृश्य न देखे, क्योंकि भोजन के समय पर यदि हम कामुक वार्तालाप देते उत्तेजना शरीर में आ जाती है तो भोजन को पचने में बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए हमारे यहाँ बताया है कि भोजन के समय पर पत्नी को भी माता गिननी, शयनेषु रम्भा भोज्येषु माता। स्त्री कितनी कितनी भूमिका में होती है वो आप भारतीय दर्शन के नीति शास्त्र के ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा कार्येषु मंत्री करणेषु दासी। तो ऐसे अनेक प्रकार एक ही स्त्री अनेक प्रकार से अपना रोल अदा करती है, अनेक प्रकार से अपना रोल निभाती है। उसमें बताया है भोज्येषु माता, अर्थात भोजन करते वक्त पत्नी को भी माता मानो। ऐसा क्यों बताया है उसका भी हमको मनोमंथन करना चाहिए। नीति शास्त्र में ऐसी अनेक बात बताई है जिसका सीधा संबंध आयुर्वेद से है, और ये इतनी गहन बात है कि साधारण आदमी साधारण बुद्धि वाला उसको सोच ही नहीं सकता है। तो भोज्येषु माता बताया है अर्थात भोजन करते वक्त पत्नी को भी माता। उसका कारण है कि यदि भोजन के वक्त उत्तेजना आएगी, यदि ऐसी कोई बातचीत होगी, यदि इस तरह के कोई क्रियाकलाप होंगे तो भोजन पर उसकी बहुत विपरीत असर होगी, पाचन पर उसकी अनेक प्रकार की विपरीत असर होगी। इसके लिए भारतीय भोजन को जानेंगे तो हम बहुत ही ये जीवन में तो अच्छा आहार का उपयोग कर सकेंगे, अपने मन बुद्धि को स्वस्थ रख पाएंगे, और आगे की जन्म यात्रा में भी हम स्वस्थ मन लेकर स्वस्थ चेतना लेकर हमारा जन्म ले पाएंगे। और अभी हम दूषित हो जाएंगे तो केवल हमारा शरीर दूषित नहीं होगा, हमारे प्राण हमारे मन हमारे बुद्धि ये सभी दूषित हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेद ने बताया है कि आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेयो परमादरः, आयुर्वेद के उपदेश पर परम आदर हो। दूसरा हृदय की प्रसन्नता न हो तब भोजन न करे, कोई शोक हो कोई दुख की बात हो गई हो, जब मन न कर रहा हो उस समय भोजन को त्याग दे। और लोगों को भी बताए कि ऐसे झूठे उसको आग्रह न करे कि चलो भोजन कर लो, जब मन नहीं है तब भोजन नहीं करना है, वो ठीक से पचेगा नहीं, मन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इसमें मन का होता है और वो भी हमको जानना है। तो मन यदि नहीं है, उदास है, कुछ टेंशन है, तो एक बार भोजन छोड़ दो और उस समय ध्यान वगैरह करो, उस समय खालीपन खाली बैठो, केवल कुछ ऐसी बात हो गई दुख की बात हो गई तो वो भोजन को छोड़ना है। पहले के समय पर मृत्यु हो जाता था तो बहुत हृदय गमगीन हो जाता था, इसके लिए उस समय रुक्ष या कम भोजन करते थे। इसके लिए 11वें 12वें दिन उसको मिठाई खिलाना, उसको अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाना, ये सब का आयोजन कराया जाता था। क्यों? क्योंकि सभी लोग दुखी हो गए है, सभी लोग उदास है, सभी लोग के जीवन में खालीपन आ गया है। तो 12वें दिन एक विधि बनाई कि अभी आप मिठाई लो, अभी आप सब कुछ खाओ ताकि आपकी जो दुर्बलता है वो चली जाए, धीरे धीरे शोक दूर हो जाता है। तो 12वें 13वें दिन से फिर वो
बड़े एक उत्सव करके उसके बाद मिठाई खाना चालू करते हैं, उस समय मिठाई खाते हैं, उसके नाम पर बहुत कुछ खाते हैं, वो उसके लिए ये गुरु पदार्थ खाएंगे तो फिर दुर्बलता नाश होगी और ऐसे ऐसे पदार्थ खाएंगे तो शक्ति आएगी जो शक्ति क्षय में काम आएगी। आजकल तो हम देखते हैं किसी को शोक इतना लगता ही नहीं है। स्मशान यात्रा, पहले स्मशान में भी वैराग्य आ जाता था, इसके लिए स्मशान वैराग्य कहते थे। आज तो वहां पर भी फोन लेकर लोग जाते हैं और वहां पर भी शेयर बाजार के भाव जानने होते हैं, तो एक तरफ वो उसको उठाया है और दूसरी तरफ फोन लेता है कि कितना भाव हुआ, सेंसेक्स कितना बढ़ गया, मोदी जी कहाँ पहुंच गए, और ये सारी चीजें चलती है। वो जाने वाला बेचारा चला गया है, ये उसको कंधा में उठाकर जा रहा है और पूरा का पूरा फोन में बातचीत चल रही है, उसको कुछ है ही नहीं। अब तो हृदय की प्रसन्नता जहां पर, जिस स्थल पर न हो, जिस काल पर न हो, जिस परिस्थिति में न हो, जो द्रव्य के प्रति न हो, तो उसको हृदय विरुद्ध कहते हैं। तो ये हृदय विरुद्ध का भी आप याद रखें। इसके लिए भोजन की पूरी विधि को जानना भी आवश्यक रहेगा कि किस विधि से हमको भोजन करना चाहिए, ताकि हृदय यदि प्रसन्न रहा, पचाने का काम आधा हमको करना नहीं पड़ेगा। प्रसन्नता पूर्ण किया गया भोजन वो सरलता से पचेगा, बहुत उत्तम परिणामदायक होगा, मन को बहुत ही तृप्ति देगा, तुष्टि देगा। इसके लिए ये विरुद्ध बहुत महत्व का है। ऐसे प्रयोग रशिया में किए गए। सबसे पहले आयुर्वेद ने मन की बात बताई। मन की बात अभी प्रधानमंत्री बताते हैं, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मन के बारे में, मन की बात अर्थात मन के बारे में जिसने बताया वो आयुर्वेद ने बताया। जब अभी माइंड का कोई कंसेप्ट नहीं था, तब आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो बात बताई तो वो मन से बताई। मन से ही सब रोग होते हैं। अभिव्यक्ति शरीर पे होती है, पहले मन से होते हैं और उसके बाद मन से यदि निकल जाते हैं तो शरीर से निकलने के लिए बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। फिर इसके लिए सत्वावजय नामक चिकित्सा एक अलग रखी, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के जैसा ही सत्वावजय चिकित्सा रखी जो मन के ऊपर चिकित्सा होती है। तो ये सबसे पहले आयुर्वेद ने मन को समझा और मन को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा का उपक्रम दिया। तो ये बहुत महत्व का है ये जानना, मन का आयुर्वेद में स्थान क्या है। मन के ऊपर बहुत सारी व्याधियां ये है। तो इसके प्रयोग रशिया में हुए। एक बिल्ली को बिठा दी गई, बिल्ली के सामने, बिल्ली को खाने वाले जो जंगली कुत्ते होते हैं उसको सामने रख दिया। एक तरफ सोनोग्राफी का मशीन रखा जो पेट की होती है, पाचक रस उसमें आ जाते थे, इस प्रकार का मशीन था। तो वो जो पाचक रस होते थे वो पहले बिल्ली ने रोटी देखी और बहुत सारे पाचक रस उसमें थे, स्रवित हुए, और तुरंत उसके सामने कुत्ता देखा, वो पाचक रस धीरे 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 कम होते गए। क्या फर्क पड़ा? रोटी देखी थी, भूख लगी थी, पाचक रस स्रावित हो रहे थे, उत्तक जंगली कुत्ते को सामने पिंजड़े में देख लिया, पिंजड़े में बंद था। बिल्ली डर गई, भय आ गया। इसके लिए पाचक रसों का स्राव बहुत कम हो गया। आपने भी कभी ये गौर किया हो कि जब हम भयभीत हो जाते हैं तो हमारी भूख मर जाती है। किसी भी प्रकार का हमको भय है तब हम अच्छी तरह से खा नहीं पाते। ऐसी ही एक कहानी है और ये बनी हुई घटना है पेशवा के समय पर, कि पेशवा, बाजीराव पेशवा जो पूना में रहते थे, पूना में गणपति के बहुत मंदिर, एक गली छोड़ो तो दूसरी गली में गणपति होंगे, वहां पर एक व्यक्ति, वो बहुत ही पहलवानी करता था, एक्सरसाइज करता था, हेवी एक्सरसाइज करता था, और उसके बाद वही गणपति की पूजा करने वहां बैठ जाता था। गणपति जहां पर दगड़ूशेठ गणपति, जो पूना के बहुत प्रसिद्ध गणपति है, वहां पर वो बैठ जाता था, वहां पर वो पूजा अर्चना कुछ करता और उसके बाद वो वहीं पर कहीं सो जाता। भूख लगती तो अन्न क्षेत्र जो चलता था पेशवा का, वहां पर अन्न क्षेत्र में चला जाता। अन्न क्षेत्र वालों ने बताया था कि आप पूरे के पूरे लोग भोजन कर ले, बाद में आना, उसका कारण आपका खुराक ज्यादा है और
जो भी आपको बचा होता है वो हम देंगे आपको। वो जो बचा है, दाल बची है दाल लेता है, सब्जी बची है सब्जी, कभी रोटी बची है रोटी, नहीं बची है तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत करता और उसके बाद कसरत में लग जाता, एक्सरसाइज में। तो शरीर अच्छा बनाया, वो वहां पर गणपति के मंदिर में बैठा था, पेशवा की सवारी निकली, पेशवा ने ऊपर से ही गणपति को नमस्कार किया और आगे चले। तो ये गणोबा को लगा, जो ये भी एक्सरसाइज करने वाला गणोबा था उसको लगा कि ये पेशवा तो बड़े हो सकते लेकिन गणपति से बड़े नहीं हो सकते। तो उसने क्या किया कि वो जो हाथी जा रहा था, तो आगे आगे जा रहा था, पेशवा की सवारी थी, तो उसने पीछे से पूछ पकड़ ली हाथी की। जैसे हाथी की पूछ पकड़ी तो हाथी खड़ा रह गया। महावत उसको चलाता है लेकिन वो आगे नहीं जा पाता है। पेशवा को आश्चर्य लगा कि हाथी आगे क्यों नहीं जा रहा। पीछे देखा तो गणोबा था, उसने पूरा का पूरा पूछ पकड़ी हुई थी। आश्चर्य लगा कि एक व्यक्ति हाथी की पूछ पकड़ ले और हाथी हिल न पाए। जो सबसे ज्यादा बलवान प्राणी कहा जाता है हाथी, इसके लिए योग सूत्र में बताया है बलेषु हस्ति बलादिनी। बलों में कौन प्राणी सबसे बलवान है, तो बलेषु हस्ति बलादिनी, योग सूत्र है पतंजलि का। आज हम शक्ति हस्ती में नहीं मापते हैं, आज हमारा शक्ति नापने का जरिया हाथी नहीं रहा है, घोड़ा हो गया है। इसके लिए हम हॉर्स पावर कहते हैं, एलिफेंट पावर नहीं कहते। कितने की मोटर कितने हॉर्स पावर की है, एलिफेंट पावर की नहीं। लेकिन वास्तव में घोड़ा वो शक्ति का नहीं प्रतीक है, वो गति का प्रतीक है। घोड़े में शक्ति नहीं होती है, घोड़े में गति होती है और हाथी में शक्ति होती है। तो बलेषु हस्ति बलादिनी, तो ये उसने पकड़ ली पूछ। अब 100 व्यक्ति का बल जिस हाथी में होता है, वो हाथी को एक व्यक्ति ने पूछ पकड़ी और हाथी खड़ा रह गया, तो कितनी ताकत होगी गणोबा। तो पेशवा को आश्चर्य लगा कि मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने सब कुछ पढ़ा, लेकिन ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं कि कोई हाथी को खड़ा कर सकता है। तो आश्चर्य हुआ जानने कि ये क्या खाता है, उसके खुराक पूछ ले में कोई प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लेता है, स्टीरोइड्स के इंजेक्शन लेता होगा, या और कोई प्रकार का मांस मदिरा मटन खाता होगा तो ही इतनी ताकत संभव होगी। वो नीचे उतर गए, गणपति को प्रणाम किया कि चलो भाई मैंने तेरी बात मानी, लेकिन आज मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप क्या खाते हो। वो उसने बताया, महाराज आपकी कृपा है, आपका अन्न क्षेत्र चल रहा है, तो वहां पर मैं जाता हूँ पूरे हो जाने के बाद, और जो दाल बची है दाल, सब्जी बची है सब्जी, रोटी बची है रोटी, कभी रोटी नहीं होती है कभी सब्जी नहीं होती, तो केवल दाल पीता हूँ 1-2 लीटर, कभी सब्जी 1-2 किलो खा जाता हूँ, कभी रोटी ले लेता हूँ 10-15, केवल रोटी, और कुछ होता नहीं है वहां पर, तो बस इतना मिल जाता है, कभी 2 रोटी कभी 4 रोटी कभी 6 रोटी कभी कुछ कभी कुछ, तो चल जाता है। फिर क्या करते हो, फिर कसरत करने लगता हूँ 4 बजे से, फिर गणपति के मंदिर के पास बैठ जाता हूँ, और कोई काम है नहीं, बस खाना है पचाना है और एक्सरसाइज कर, और कोई काम नहीं है मेरे लिए, कोई चिंता नहीं है। पेशवा ने देखा कि एक प्रयोग करते ही ये निवांत मन है ना जो, इसके कारण ये कृशो वराह इव पुष्यति, इसके लिए वो बहुत अटाकटा हुए। पेशवा ने कहा कि एक काम करो, नौकरी करोगे? हाँ बोले, वो तो मैं ढूंढ रहा हूं। तो गणपति के मंदिर में, तू गणपति का ही भक्त है तो इसी की पूजा में तुझे देता हूं, बस 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम को, एकदम 6 बजे वहां दिया हो जाना चाहिए, एकदम 6 बजे वहां दिया जलाना है आपको, और केवल एक एक आरती करनी आपको जैसी आए ऐसी, और शाम को 6 बजे भी ऐसा करना है। उसने ये नौकरी स्वीकार की। बाजीराव ने पेशवा ने बताया कि इसके बदले में तुझे सुबह का ब्रेकफास्ट बादाम पिस्ता वाला शीरा और जो तू चाहता है वो, दोपहर में भोजन अब अन्न क्षेत्र में नहीं होगा, अब मेरे महल में तेरा भोजन। तो वहां जो लोग अधिकारी लोग भोजन करते हैं ऐसा भोजन व्यवस्थित, शाम को भी वहीं पर भोजन होगा, और उसके बाद तुझे पैसे भी मिलेंगे,
केवल तुझे दो बात याद रखनी है, सुबह 6 और शाम के 6 का टाइम किसी भी हालत में चूकना नहीं है, नहीं तो मैं गर्दन निकाल दूंगा तेरी, गर्दन काटी जाएगी तेरी। यदि तूने टाइम कहीं पर भी टाइम में एक मिनट का भी फेरफार हुआ, एक मिनट भी तू लेट हुआ तो अब ये चिंता लग गई। अब बराबर नींद लगी हो रात को और वो 6 बजे न जाए तो 5:30 बजे किसी भी तरह से उठता। कभी कभी थकान हो जाती दोपहर में कसरत करते करते, नींद आने लगती, लेकिन 6 बजे दिया करना है। एक चिंता लग गई। लगभग लगभग 2 महीना चला। 2 महीने में उसने बादाम का सीरा सब कुछ अच्छी तरह से खाया था, पैसा मिलता था तो कुछ कुछ वो प्रोटीन का वो भी लेता होगा, सोर्स बहुत सारा कुछ लेता होगा। फिर पेशवा की सवारी निकली। पेशवा ने बताया कि इस हाथी को रोको। जैसे ही पहले निकले थे उसी तरह से निकले। उसको बताया कि हाथी की पूछ पकड़कर हाथी को रोको। उसने गणोबा ने हाथी को खींचा पूछ से और गणोबा को खींचकर हाथी दूर दूर तक ले गया। हाथी को वो रोक नहीं पाया, हाथी उसको कहीं ले गया। क्या फर्क पड़ गया 2 महीने में? एक चिंता लग गई। चिंता जैसे ही लगी बाद में क्या हुआ, सब कुछ बादाम पिस्ता राज्य का भोजन सब कुछ था, सब ने कोई असर नहीं दिखाई। अब कोई भी लैब में आप टेस्ट करने के लिए जाओ, वो अन्न क्षेत्र का भोजन को टेस्ट कराओ, उसमें कितना प्रोटीन है कितना विटामिन है वो टेस्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं निकलेगा, बिल्कुल क्वालिटी का वो होगा अन्न। और यहाँ बादाम पिस्ता का सीरा का टेस्ट कराओ, कितना इसमें कैलोरी होगा, कितना इसमें फैट होगा, किसमें इसमें प्रोटीन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसको नहीं लगा कुछ भी। और उसमें कुछ नहीं था, इसको सब कुछ आ गया कहीं से, सब कुछ प्रोटीन आ गया, विटामिन्स मिनरल सब कुछ मिल गए। क्यों? क्योंकि तब मन में चिंता नहीं थी, मन प्रसन्न था। और यहाँ क्या चला गया? मन की प्रसन्नता चली गई। बाकी सब कुछ है, प्रसन्नता नहीं। तो भोजन में भी ऐसा है, सब कुछ यदि है लेकिन प्रसन्नता नहीं है तो भोजन का कोई महत्व नहीं। आपके भोजन में 0 न्यूट्रिशन है। फिर आप कितना भी ऑर्गेनिक खाओ, कहीं से भी गाजर लाओ, कश्मीर का केसर लाओ, शिमला के सफरजन सेव लाओ, लेकिन कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यदि प्रसन्नता पूर्ण मन है आपका, ये प्रसन्नता पूर्ण वातावरण है, इसके लिए भारतीय शास्त्रों ने प्रसन्नता का बहुत महत्व दिया। एक भी ग्रंथों में ऐसा नहीं बताया एलोपैथी होम्योपैथी के कि भोजन के समय का वातावरण कैसा होना चाहिए। नेचुरोपैथी में ये बताया गया कौन सी चीजें खानी है, लेकिन खाते वक्त आपका वातावरण कैसा होना चाहिए, आपका मन कैसा होना चाहिए, वो केवल आयुर्वेद में बताया गया। और इसके अनेक उदाहरण गणोबा के जैसे हम दे सकते हैं कि हृदय का बहुत महत्व है, प्रसन्नता का बहुत महत्व है। इसके लिए हम आहार विधि विशेष आयतन लेने वाले हैं। जब जब आहार के 8 आयतन है, आहार विधि 8 प्रकार से होती है, 10 प्रकार से होती है, सुश्रुत में ये बताया है, तो उसका कभी हम लेंगे तो ये विषय हम देखेंगे कि भारतीय भोजन व्यवस्था किस तरह से थी, किस तरह से वो होनी चाहिए। तो यदि ऐसा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है और आपने कुछ खाया, शोक है क्रोध है और खाया, तो उसको कहते हैं हृदय विरुद्ध हो गया। ये हृदय विरुद्ध का उदाहरण है। आगे है संपद विरुद्ध, फलों का पकना, किसी भी चीज का पूर्ण रस से हो जाना, वो उसकी संपदा होती है। यदि वो संपदा से पहले खा लिया या उसके बाद खाया, जब संपदा चली गई है, सड़े हुए फल को खाना, कच्चे फल को खाना, वो संपदा से विरुद्ध है, वो संपद विरुद्ध में आता है। क्योंकि वो संपद उसकी क्या है? पूर्ण रस से परिप्लावित हो जाना, रस से पूर्ण भर जाना, वो उसकी संपदा है। और ये यदि ये नहीं है तो वो जो आप खा रहे हैं वो संपद विरुद्ध है। या कोई फल बहुत पक गया है, पक कर सड़ गया है, और वो यदि हम भक्षण करते हैं, उसको यदि हम खाते हैं, तो उसको संपद विरुद्ध कहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं संपद विरुद्ध के।
और अंतिम है वो विधि विरुद्ध है। हमेशा कोई भी बात में विधि बहुत आवश्यक होती है। भगवद गीता में भी बताया गया है ये शास्त्र विदु मृत्सृज्य, जो शास्त्र विदु को उच्छेद करके छोड़ करके जो कर्म करता है तो उसके क्या फल होते हैं उसके बारे में लंबा विचार वहां पर बताया गया है। तो हरेक की एक विधि है, उसी तरह से भोजन की भी एक विधि है। भोजन ऐसे किसी भी कहीं पर भी किसी भी अवस्था में किसी भी समय नहीं किया जाता है। भोजन करने का एक समय होगा, भोजन का एक स्थान होगा, वो स्थान ऐसा होगा, भोजन का एक आसन होगा, वो आसन इस प्रकार का होगा, भोजन में किसकी दृष्टि होगी किसकी नहीं होगी, दीनहीन क्षुधार्ता नाम पाप संतश्च रोगिणाम कुक्कुटादि सुनाम दृष्टि भोजने नैव शोभते। इतने व्यक्तियों की दृष्टि भोजन पे नहीं आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि इतने लोगों की दृष्टि, भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताई है पूरी भोजन की विधि कि भोजन के विधि क्या है, बैठोगे तो किस तरफ आपका मुख होना चाहिए, आपको किस तरह भोजन करना चाहिए, शरीर पर आप किस तरह से आपके वस्त्र होने चाहिए, थाली किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का आपका आसन होना चाहिए, किस तरह के वार्तालाप रसोई घर पे होने चाहिए, रसोई घर पे झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रसोई घर पे निंदा किसी की भी नहीं होनी चाहिए, रसोई घर पे आरोप प्रत्यारोप जो हम करते वो नहीं होने चाहिए। रसोई घर एक मंदिर है, उसको मंदिर की तरह रखना चाहिए, उसमें जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, स्नान किए बिना नहीं जाना चाहिए। ये एक विधि है पूरे आहार की, तो उसका बहुत बड़ा वर्णन है। तो ये हम कभी आहार विधि का विशेषायतन में लेंगे, तो आहार विधि विशेषायतन लगभग हम अगली बार, मुझे समय मिल गया तो अगली बार में स्लाइड, मुझे स्लाइड बनाने के लिए मैं बोल दूंगा, और लगभग अगले शुक्रवार को ही हम आहार विधि विशेषायतन ले लेंगे, तो आपको ये विरुद्ध विधि है वो पता चलेगा। ये विधि से जो जो हम विरुद्ध करते हैं उसको हम विधि विरुद्ध कहते हैं। तो ये 18 प्रकार के विरुद्ध अन्न की बात मैंने रखी यहाँ पर। तो ये विधि की बात हम आहार विधि यतनम है उसकी बात हम बताएंगे अगली बार। अब इस बार का सेशन यहाँ पर विरुद्ध आहार का यहाँ समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न पिछले सेशन में से और इस सेशन में से विरुद्ध आहार के ऊपर हो वो पहले बताए। दूसरी बात, किसी को आयुर्वेद के बारे में यदि है तो वो कल का जो सेशन आयुर्वेद का है तो उसमें वो बताएंगे। तो ये जिस सेशन का जो प्रश्न है वो उस सेशन में बताएंगे, तो सबका लाभ होगा और सबका समय बचेगा। तो ये आप ध्यान रखें, उनको पहले अवसर दे जिनको इस सेशन के बारे में या पीछे विरुद्ध आहार के कोई भी सेशन के बारे में कोई प्रश्न रह गया। जी आचार्य जी, ये कंप्लीट हो गया आचार्य जी विधि, मतलब ये विधि कंप्लीट हुआ। विधि बहुत प्रकार की है, वो हम आगे लेने वाले हैं। हेलो, तो विरुद्ध विरुद्ध आहार का आज फाइनल सेशन नहीं है, तो नेक्स्ट वीक विरुद्ध आहार का मतलब और एक सेशन है विरुद्ध आहार का। विरुद्ध आहार का नहीं है, मतलब आज कंप्लीट हो गया चाची। आज कंप्लीट हो गया, अब जो है वो आहार विधि का है, विरुद्ध का नहीं है। हेलो, आहार विधि का है, आहार की विधि कैसी होनी चाहिए, भोजन की विधि कैसी होनी चाहिए वो है। वो विधि से जो विरुद्ध होता है वो 18वां विरुद्ध है। ओके, तो ये विरुद्ध आहार कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग आहार का विधि हम लोग ले रहे हैं जी। जी, किसी को प्रश्न है तो उसको अवसर दे। आप जो हैंड रेस किए हैं अलर्ट रहिए। कल्पना जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, ये जो टमाटर है, तो टमाटर को मैंने कहीं पढ़ा ऐसे आयुर्वेद के नाम से कि टमाटर को जब कच्चे खाए तो वो अच्छे रहते हैं और उसे जब पकाते हैं तो यूरिक एसिड बनता है,
तो क्या जो भी टमाटर की चीजें हैं, जैसे हमारे खाने के ग्रेवी बना के खाते हैं, वो सब विरुद्ध ये यूरिक एसिड हो जाता है उसमें, ऐसा टमाटर होता है को क्या? टमाटर पके खाने चाहिए, टमाटर फल वर्ग में लिया है अच्छा तो इसके लिए टमाटर के बहुत दोष भी है, तो टमाटर को दोष जाने बिना नहीं खाना है, कच्चा नहीं खाना है, कच्चा दूरतर कहा गया है, तो कच्चा तो बिल्कुल नहीं खाना है। पका भी उसकी एक विधि है, जो सब्जी की तरह आप खाते हैं उस तरह से खाएंगे तो अच्छा है, सॉस बनाकर खाएंगे तो वो भारी हो जाता है, तो इसके लिए जो जिसकी विधि है वो उसी विधि से खाया जाए तो अन्न हमको बहुत उपयोगी होता है। जी आगे। ये अलर्ट रहिए, मैं दे रहा हूँ, अलर्ट जी रहिए, आप स्क्रीन देखते रहिए, मैं अभी माला जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी, मैं खाना पकाती हूँ तो उसमें खट्टा नमकीन का वो सब मिलाती हूँ, इसे ये करेले को अलग से नहीं खाती हूँ, चावल या रोटी खाती हूँ, तो चावल और रोटी रोटी भी वो मीठा मीठा स्वाद मीठा नहीं है, और ये करेला इसी खाने में का पालन से करती। नहीं, आज बहुत डिस्टरबेंस है माला जी। ठीक है, और किसी को अवसर दे। नेक्स्ट। सचू जी, सचू जी। नमस्ते गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम मेडिटेशन सब करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये लसन प्याज और मशरूम्स नहीं खाना, तो ये क्या हमारे मन को अशांत करता है, लसन प्याज और मशरूम्स? ये केवल तीन नहीं है, इसका पूरा का पूरा योग योग के अभ्यास जो करते हैं उसके लिए उपनिषद में क्या नहीं खाना है, योगाभ्यास करते हैं जो व्यक्ति उसको क्या नहीं खाना है उसका एक बड़ा लिस्ट है। तो ये तीन ही नहीं है, ये है तीन है, ये सही बात है आपकी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो और भी हम खाते हैं, तो योगाभ्यास वाले के लिए हम अलग रखेंगे एक दिन कि योगाभ्यास जो करते हैं उसको कौन से आहार नहीं खाने चाहिए, उसके क्या क्या कारण है। तो ये बात सही है आपकी, अभी तो प्याज लहसुन और मशरूम की बात है, लेकिन ऐसे बहुत पदार्थ ऐसे है जो नहीं खाए जा सकते हैं योगाभ्यास के दौरान, तो ये क्या क्या है वो कभी हम विषय लेंगे तो उसका पूरा का पूरा आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही कि वो सही बात है, योगाभ्यास जब आप करते हैं तो उसको ये छोड़ना होता है। जी ये योगाभ्यास मतलब आप आसन करते हैं उसकी मैं बात नहीं करता हूँ, योग का पूरा एक आप समझिए कि उसकी एक साधना है, योग की एक यात्रा है, वो जब आप करते हैं तो ये छोड़ना होता है। जी भगत जी नमस्कार गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि लास्ट टाइम आपने जो पिछले सेशन में एक संचय प्रकोप और शमन के बारे में बताया था, उसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन ये है कि आपने एग्जाम्पल दिया था कि वर्षा ऋतु में बाहर का वातावरण ठंडा होता है, नमी होती है, तो इस वजह से शरीर में भी अपचन होता है और पित्त का संचय होता है पहले, उसके बाद जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ और शरद ऋतु आई तो धूप तेज हो गई और सामान्य वृद्धि का नियम लागू होता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है और उसके बाद फिर शमन होता है, तो ये समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा मेरे को कफ वाला जो बताया था उसमें थोड़ा समझ में ये नहीं आया कि कफ में आपने बताया था कि उस टाइम पे ठंडा मौसम होता है, भारी अन्न हम खाते हैं और मधुर रस का सेवन करते हैं तो वो कफ बढ़ाता है, वहां तक समझ में आ गया, उसके बाद क्या होता है कि प्रकोप कैसे होता है, उसमें समाने कौन सी वृद्धि का नियम लागू होता है, क्योंकि पित्त का तो समझ में आ गया था अग्नि तत्व है और बाहर भी अग्नि जैसे बड़ी तो प्रकोप हो गया, अब कफ जो है वो दो एलिमेंट से बना है, एक तो वाटर एलिमेंट जल, दूसरा है पृथ्वी एलिमेंट, तो इसमें प्रकोप और शमन कैसे हुआ वो थोड़ा समझ में नहीं आया। इसको मैंने इस तरह से बताया था, शिशिर और वसंत को आप देखिए, शिशिर ऋतु में जो कफ का संचय हुआ और उसके बाद उसका वसंत में प्रकोप हुआ, प्रकोपक ऋतु वसंत गिनी जाती है और संचय की ऋतु ये शिशिर गिनी जाती है। अब आप ये समझना होगा कि
कि वसंत में क्या होता है। तो सूक्ष्म जो जल तत्व है वो शरीर से वो पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाता है। इसके कारण आपने देखा होगा कि सामान्य वृद्धि न्याय इसके लिए लगता है कि बाहर सूक्ष्म जल तत्व व्याप्त है, यद्यपि बारिश नहीं आ रही, पानी नहीं गिरता है, लेकिन सूक्ष्म जल तत्व पूरे के पूरे वातावरण में है। इसके लिए कफ जल तत्व का होने के कारण कफ बढ़ता है और उस समय सबसे ज्यादा प्रभावी जल मतलब निकलना होता है बहुत सारे कफ को, तो ये जल तत्व के कारण होता है। और वसंत में जल तत्व बढ़ता है, उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आप देखते हैं कि वसंत आती है तब पेड़ पौधे बारिश के बिना ही खिल जाते हैं। वो आपको पता होगा, पता है ना ये तो आपको, कि वसंत ऋतु जब आती है ना तो हमारे यहाँ कहलाता है कि वसंत जीवन में जो वसंत लाए उसका नाम संत है। संत की व्याख्या करते हुए ऐसा कहा गया है कि जीवन में जो वसंत लाता है, जीवन को एक नई दिशा देकर जाता है, उसका नाम संत है। तो हमारे यहाँ ये भी बताया आयुर्वेद के ग्रंथों में कि अर्थो नराणाम शुचिरंगनानाम वर्षा नदी नाम ऋतुराट तरुणाम स्वधर्मशाली रूपति सुयति प्रजानाम गतम गतम यौवन मानयंती। इसको क्या कहते हैं कि जैसे बिल्कुल मुरझा गया हो आदमी और उसको यदि कोई रोजी रोटी बहुत अच्छा कुछ मिल जाए तो अर्थ जो मिल जाए तो वो उसका यौवन प्राप्त कर लेता है। महिलाएं है वो शुद्ध रहकर शुचि रहकर बहुत श्रृंगार अच्छा करके बहुत साफ सुथरा रहकर भी युवान रह सकती है, उसका यौवन वापस आता है। नदी है उसका यौवन कब वापस आता है तो वर्षा ऋतु में नदी का यौवन आता है। उसी तरह से पेड़ पौधों का यौवन कब आता है तो वसंत ऋतु आ जाती है तो पेड़ पौधे अनेक अलग प्रकार से वो खिल उठते हैं। तो इसके लिए ऋतुराज वसुनाम, उसी तरह से स्वधर्म सुयति प्रजानाम, स्वधर्मशाली को यति एक अच्छा सन्यासी एक अच्छा ज्ञानी एक अच्छा संत यदि समाज में आ जाता है तो पूरे समाज का यौवन पुनः आ जाता है। इसके लिए वसंत ऋतु में आप इस तरह से समझिए, बाहर सूक्ष्म तत्व पे जल तत्व सूक्ष्म रूप से जल तत्व व्याप्त है, उसके कारण कफ का प्रकोप होता है सामान्य वृद्धि एन्याय से। जी विक्रांत जी, जी जी क्या एक मिनट एक कहिए। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है लेकिन अभी हमारे दिल्ली के अंदर भी बरसात भी हो रही है, तो पूरा जो भाद्रपद का जो मौसम होना चाहिए वो अभी मौसम नहीं है, तो इसमें हमारी ऋतुचर्या किस तरीके से होनी चाहिए? आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जब ऋतु में ऐसा हो जाए तो उसमें जिस दिन जो ऋतु का वातावरण हो वो ऋतुचर्या गिननी चाहिए। जैसे अभी वातावरण वर्षा का, लेकिन ऋतु शरद, तो अभी वर्षा को मानकर हमको आहार विहार करने चाहिए वर्षा ऋतु को मानकर। जी रवली जी। प्रणाम गुरु जी। मुझे हिंदी इतना ठीक से नहीं आती है। ये आपने बोल रहा था कि पनीर सॉरी ये संयोग विरुद्ध में मिल्क और खट्टा नहीं मिलाना है, तो पनीर खा सकता है कि पनीर को बनाने में नींबू डाल के दूध को फट देता है और फिर वो ये रोज समझ गया ये रोज नहीं खा सकते है, कभी कभी खा लिया पनीर तो चलेगा, वो गुरु है और जो मेहनत करते हैं वो खाए, तो ये रोज नहीं खा सकते है कभी खा सकते है। जी हेलो प्रणाम आचार्य जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो अभी अभी पनीर के बारे में उन्होंने पूछा, तो पनीर किस चीज से फाड़ना चाहिए, दही से या नींबू से? किसी से भी आप फाड़े मतलब तो वो तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, वो पाक प्रक्रिया जो होती है वो तो अम्लता के कारण होती है, दोनों में अम्लता है तो उसको अम्ल पाक बताया गया है, तो वो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसको रोज तो खाना ही नहीं है, वो गुरु हो जाता है इसके लिए पनीर। तो पनीर इसको रोज खाने के आहार द्रव्यों में पनीर नहीं है, कभी कभी खा सकते हैं आप उसको। जी विरुद्ध आहार भी कभी कभी किया
तो चलता है, लेकिन रोज किया तो वो अनेक रोग को उत्पन्न करता है। जी दीपेन जी, गुरु जी ये जो आलू हम खाते हैं तो आलू के साथ क्या क्या विरुद्ध है? आलू के साथ तो ऐसे आलू गुरु पदार्थ है, तो उसके साथ विष्टम भी है, गुरु है, इसके लिए विरुद्ध जैसे जैसे आपने लगभग मानो कि इस तरह से तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये पदार्थ सीधा आलू के विरुद्ध में जाएगा, लेकिन गुरु और विष्टम भी होने से आलू कम खाना है, ये एक कारण है मुख्यता से। फिर आलू की बात आप सब्जी करें, जैसे उसकी वेफर की आपने, तो वो वेफर कौन से विरुद्ध में आ गई, तो पाक विरुद्ध में आ गई, क्योंकि डीप फ्राई कर दिया, उसकी वेफर बना ली, तो वो गुरु हो गई, अनेक प्रकार के रोगों करेगी। अब तो इसको आलू को इस तरह से पकाया गया तो वो पाक विरुद्ध आ गया, कभी आलू को कच्चा खाया तो विरुद्ध विरुद्ध हो गया, कभी आधा पका खाया तो अलग प्रकार का विरुद्ध हो गया, उस तरह से आलू विरुद्ध हो सकता है। जी गुरुजी जी, गुरुजी प्रणाम। वो पैरा मशरूम, पुआल का मशरूम जो प्राकृतिक रूप से उगता है, वो खाना सही है क्या आयुर्वेद के अनुसार? कौन सा पैरा मशरूम? पुआल का, धान का जो पुआल का मशरूम होता है वो प्राकृतिक रूप से उगता है उधर बारिश के बाद? मशरूम, हाँ मशरूम मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो बहुत गुणकारी है। आयुर्वेद में उसके दो मत बताए गए हैं, एक तो भूकंद उसको कहते हैं, कोई कोई रोगों में उसको ले सकते हैं, लेकिन भूकंद अर्थात भूकंद है उसके बारे में थोड़ी चर्चा है, इसके लिए कोई विशेष रोगों में आप उसका औषधीय उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, आहार में आप रोज उसको नहीं ले सकते हैं, कभी कभी ले सकते हैं। जी थोड़ा अलर्ट रहिए जी। हाँ गोविंद जी नमस्कार आचार्य जी। मेरा ये प्रश्न था कि यदि हमने अभी भोजन किया तो सब्जी जो नमक वाली थी, उसके बाद अगर हमें दूध पीना है तो कितने समय के बाद दूध पी सकते हैं? दो घंटे बाद पी सकते हैं। ओके चंदन जी। प्रणाम गुरु जी। आपने बताया था कर्म विरुद्ध में हार में पहले मीठा लेना है, लास्ट में कसाई लेना है, तो कसाई में तो जैसे आपने बताया कि पहले कप बढ़ता है, फिर पीत, फिर लास्ट में बात बढ़ता है, तो कसाई में तो वायु होता है गुरुजी, तो एक कसाई में फिर वायु का समन कैसे होता है हार खाने से? हाँ अब देखिए इसका एक प्रक्रिया है, सभी कसाईयों से ऐसा नहीं होता है, कभी कभी रस प्रधान हो जाता है, जब दो प्रॉपर्टीज विरोध में आए तो क्या प्रधान हो जाएगा, तो वो अपने अपने द्रव्यों की एक विशेषता होती है, तो कोई कोई द्रव्यों की विशेषता ये होती है कि वो कषाय होने पर भी वात को बढ़ाता है, वात को शमन करता है, कोई द्रव्य की ऐसी विशेषता होती है कि वो मधुर होने पर भी वो कफ को दूर करता है, जैसे मधु है, हनी है, हनी मधुर होने पर भी कफ को दूर कर देता है, क्यों? क्योंकि वो एक अपवाद है, ऐसा अपवाद देखा जाता है कि कोई कोई द्रव्य जो होता है वो रस प्रधान ही नहीं होता है, वो रस के रस जो होता है वो तो ये दिखाता है कि ये वायु को बढ़ाएगा, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज उसमें ऐसी होती है जो ये तय करती है कि वो बढ़ाने के बजाय उसको कम कर देती, तो इसको आयुर्वेद में अनेक परिभाषाओं में परिभाषित किया गया है, जैसे मॉडर्न में हरड़ और अतीस, ये दोनों में आपको टेनिन एसिड मिलेगा, हरड़ में और अतीस में, लेकिन हरड़ है वो पेट साफ करेगी और अतीस है वो डायरिया को बंद करेगी, हरड़ डायरिया कराएगी और वो डायरिया को मिटाएगी, दोनों में टेनिन एसिड ऐसा क्या है, तो वो एक विशेष होता है कि एक द्रव्यों में पर्टिकुलर, और ये तीन चार द्रव्य मैंने गिनाए उसमें पर्टिकुलर ज्यादा है, इसके लिए ऐसा ही ये अपवाद है, ऐसा ही एक विशेषता है जो उसके कारणों वात का शमन करते हैं। जी माता जी, तो सभी कसाई द्रव्य, सभी कसाई रस वाले द्रव्य नहीं लेने, कोई कोई पर्टिकुलर जो लिखा गया है वही लेना। जी हरे कृष्णा गुरुजी। अंकुरित ले सकते हैं क्या? स्प्राउट्स जो है अंकुरित
मैं समझ गया, स्प्राउट्स जो है वो आयुर्वेद के मत से रोज नहीं लेना है, वो भी विरूढ़ धान्य है। चरक में बताया गया है कि विरूढ़ धान्य नहीं खाना है, विरूढ़ा वर्ज्या नाम, विरूढ़ धान्य है उसको वर्ज्य किया है, अर्थात उसको रोज नहीं खा सकते है। रोज खाया तो उदर रोग की संप्राप्ति होगी, अनेक प्रकार के पेट के रोग हो सकते है, तो इसके लिए स्प्राउट्स आप न खाए, रोज न खाए। कभी खा लिया तो चलेगा, हफ्ते में एक बार खा लिया तो चलेगा, लेकिन रोज उसका सेवन नहीं करना, डेली नहीं खाना है। जी पिंटू जी, गुरु जी, मैं पिंटू सिन्हा बोल रही हूँ। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला कि दूध नहीं मिलने की स्थिति में हम लोग बादाम का, नारियल का इस तरह का दूध बनाते हैं, तो इसको गर्म करके लेना चाहिए या नहीं? और जो द्रव्य बच जाते हैं उसके, उसको क्या सब्जी में डाल के पका सकते हैं? अभी आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ये भी समझ लेना है कि कुछ कुछ द्रव्यों की विधि लिखी गई है, कुछ द्रव्यों की बताई गई नहीं है कि इसमें ऐसा दूध होगा और इसको इस तरह से भी पाक में उपयोग कर सकते हैं। अभी एक वेगन का जो कंसेप्ट आया है वो ऐसा बताते हैं कि दूध हमारा आहार नहीं है, इसको छोड़ना है, तो इस तरह से एक प्रचार होता है जो आयुर्वेद के सम्मत नहीं है, बिल्कुल अर्थशास्त्र के भी सम्मत नहीं है। तो इसके ऊपर एक ध्यान देना चाहिए कि इतने सारे द्रव्यों की गणना कर दी, 2500 द्रव्यों चरक ने लिखे, 2500 के गुण लिखे, 2500 के दोष लिखे, 2500 की मध्यस्थता लिखी कि ये आहार ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा भी नहीं कर सकता है, तो उसको बहुत कम संभावना है कि दूध का पता न। तो दूध अच्छी तरह से आयुर्वेद ने दूध को पहचाना, दूध को जाना, एक तटस्थ भाव से उसने दूध की जो प्रशंसा लिखी, दूध के बारे में जो लिखा, वो अतिशयोक्ति को हम यदि छोड़ दे, सब प्रकार की जो जनता में चल रही है अभी, तो उसको यदि हम विधिवत ले तो दूध बहुत उत्तम आहार सिद्ध हो सकता है। इसके लिए दूध का ऑप्शन नारियल तो कभी भी नहीं हो सकता है, नारियल क्या कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। इसके लिए यदि किसी का सुनकर आप यदि ऐसा कर रही है कि दूध के स्थान पर नारियल का दूध ले रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूध ही उपयुक्त है। केवल दूध की विधि को जान लेना चाहिए कि दूध जो मॉडर्न लोग बताते हैं वो दूध को जानते, वो दूध की विधि को नहीं जानते हैं, और दूध की विधि की वजह से वो सब दोष दूध को देते हैं। लेकिन आयुर्वेद तो बताता है ऐसे दूध की लेने की विधि ही नहीं है, जो वो जिस तरह से लेते हैं, कच्चा दूध नहीं पीना है, गिलास भर के 2 गिलास दूध नहीं पीना है, दूध मात्रा में लेना है, उसके साथ और कुछ नहीं लेना है, वो गर्म करके ही लेना है, तो ऐसे अनेक प्रकार के नियम दूध के लिए दिए गए हैं, वो दूध की एक विधि बताई गई है, तो ये आप समझे। और नारियल के दूध की ऐसी विधि नहीं बताई गई है कि उसको गर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ये विधि में नहीं है, तो ये अवश्य ही लगभग लगभग पाक विरुद्ध में हो जाएगा। जैसे ऐसे अलग अलग सोया का भी निकला है और कई प्रकार के दूध निकले है, तो वो मुझे लगता है भारत के लिए ये आहार कितना योग्य होगा कितना नहीं होगा, ये एक प्रश्न है। तो ये आप थोड़े आयुर्वेद की तरफ से देखेंगे तो दूध को लेने की प्रॉपर विधि जान लीजिए, और जो उसकी विधि से आप दूध लेंगे तो दूध अवश्य ही लाभ देगा। जी जी आचार्य जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। मुझे एक तो हाइब्रिड सब्जियों के बारे में पूछना था कि इसमें हम क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मैंने पढ़ा है कि किसी में विटामिन सी नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है गुरु जी। दूसरा है रात में खाने के कितनी देर बाद हमें वॉक करने जाना चाहिए? आयुर्वेद में 2-3 बातें समझ ले उसको। आयुर्वेद में सब्जी ही लेनी है ऐसा तो नहीं है, आपको यदि ऐसा लगे कि सब्जी नहीं आ रही है तो सब्जी के विकल्प बहुत सारे बताए गए हैं, फल उसका उत्तम विकल्प हो सकता है, दूसरे पदार्थ भी इतने समीधान्य शुकधान्य जैसे पदार्थ उसके ऑप्शन उसके विकल्प हो सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से कहीं थोड़ा बहुत उगा कर भी थोड़ी अपनी मात्रा में ले सकते, उसके जगह समीधान्य
मूंग वगैरह होते हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो आ रहा है पेस्टिसाइड्स वाला या ऐसा कुछ भी, तो उदको उसका तो आप अपने रीत से हल थोड़ा निकाल सकते हैं, थोड़ा कम करके, थोड़ा उसका शमी धान्य का उपयोग करके। वो ऑर्गेनिक मिलता है और लंबा टिकता है, तो इसके लिए ये तो आसान है। दूसरा जो आपने पूछा कि भोजन के बाद कितने घंटे के बाद वॉकिंग में जाना चाहिए, तो आयुर्वेद ने चक्रमण बताया है घूमना। तो वो भी ऑक्सीजन वाली जगह पर आप जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन वाली जगह पर, तो भोजन के लगभग लगभग आधे घंटे बाद आप जा सकते हैं, पौने घंटे बाद आप जा सकते हैं। थोड़ा वॉक किया बाद में थोड़ा आराम करना है, एकदम 5 किलोमीटर चल लेना नहीं है, उससे वात का वर्धन होगा, वायु बढ़ेगा शरीर में। इसके लिए थोड़ा चक्रमण करे फिर बैठ जाए, थोड़ा आराम करे फिर थोड़ा घूमे, फिर थोड़ा बैठ जाए, फिर थोड़ा घूमे, फिर थोड़ा बैठ जाए, इस तरह से चक्रमण करना है आराम से। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरह से चक्रमण कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। जी मधुर जी। गुरु जी प्रणाम। आर्य नितिन बोल रहा था कोलकाता से। मेरा प्रश्न है गुरु जी कि अभी गर्मी के ऋतु में भी शलगम आती है, बीट और पत्ता गोभी की भी सब्जी आ रही है, तरबूज 12 महीने आने लग गया, तो जो विरुद्ध आहार के रूप में आता है, क्योंकि शलगम ठंड के समय आती है और गर्मी के समय आजकल सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों को जब आहार विधि समझाते हैं तो इसका कोई पीपीटी है कि कौन से ऋतु में कौन सा खाना चाहिए? जैसे आपने कहा मूली किस समय खानी चाहिए, वो हानिकारक भी हो जाती है अगर गलत ऋतु में खाते हैं तो जी। तो इसकी कोई सूची? वो मैं देखता हूँ एक की, वो मुझे देखने की बाकी है, किसी और ने बनाई है लेकिन उसको देख लेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से वो सूची बराबर है तो हम ये सूची रख देंगे। एक सूची हमने पहले बनाई थी वो भी देख लेते हैं, तो वो सूची यदि मिल गई तो वो भी हम रख देंगे कि किस आहार में क्या खाना है और किस ऋतु में क्या खाना है और किस ऋतु में ये वर्ज्य हो जाता है, अविरुद्ध हो जाता है। जी मधुर जी। हेलो सर, नमस्कार। ये पूछना था जैसे दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए, तो जब दूध की बनी चाय पीते हैं तो उसके संग मछली वगैरह खाते हैं, कुछ नमकीन खाते हैं, तो वो चलता है या वो भी नहीं लेना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं लेना है, वो विरुद्ध हो जाता है। जो दूध से बनी वस्तु है तो उसके साथ यदि तो प्रधान तो दूध ही है उसमें, तो इसके लिए वो नहीं खाना है। जो दूध के इससे जो आप कहते हैं चाय के साथ नमकीन, वो भी नहीं खानी है, तो नहीं खाना है, ये विरुद्ध में ही आएगा। जी मधुर जी। मधुर जी प्रणाम। गुरु जी, दूध के साथ अदरक हम यूज कर सकते हैं क्या? रोज यहाँ पे दूध चाय में अदरक डालते हैं, तो क्या हम उसको रोज यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते रोज यूज, वो विरुद्ध हो जाएगा। इसके लिए इसके स्थान पर कुछ और उपयोग करें, कभी कभी अदरक का उपयोग करें, 7 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, वर्षा ऋतु है तब उसका उपयोग कर सकते हैं। अदरक के समय है आषाढ़ महीने में अदरक सेवन करने की विधि है, तो आषाढ़ है अदरक, मतलब आषाढ़ महीने में जो अदरक होता है ना, तो वो बहुत मतलब अच्छा होता है। तो आषाढ़ श्रावण महीने में ऐसे कभी आपने केल या उबाला बनाया बारिश के दिनों, वो चलेगा, लेकिन अदरक के साथ रोज दूध के साथ अदरक नहीं ही लेना है, वो विरुद्ध है। तुलसी भी विरुद्ध है, उससे कोष्ठ हो सकता है, चर्म रोग हो सकते हैं उससे। इसके लिए उसके स्थान पर आप कुछ और उपयोग करें जो दूध के साथ विरुद्ध न होता। जी नमस्कार गुरु जी। आपने बताया था कि वायु जब बढ़ जाता है तब आपने बोला था घी वाली वस्तु खाए, लेकिन जब अग्नि ही मंद हो तो घी वाली खा सकते हैं क्या? अपचन हो सकता है? नहीं नहीं खा सकते, मैंने यही बताया था, एक सुनकर उसको नहीं करना है, दूसरा भी देखना है कि भाई ऐसी स्थिति में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो ये अवश्य ही देखना है कि आयुर्वेद अनेक अंगों को विचार करके एक स्टेटमेंट देता है, तो इसके लिए कोई प्रश्नों का जवाब एक वाक्य में हो भी सकता है, एक वाक्य में नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मैंने बताया था, लेकिन अग्नि मध्य तब भी नहीं खा सकते हैं, इसके लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा वायु का। जी श्वेता जैन जी। हाँ नमस्ते गुरु जी।
हाँ वो दूध और दही का सेवन यानी खाने से पहले या खाने से के बाद किस तरह से करना चाहिए, यानी अगर एकासना कर रहे हैं तो खाना खाना है और दूध भी पीना है तो पहले पीना है कि खाना खाना है दूध भी पीना है, समझ गया, लेकिन दही भी खाना है? हाँ दही नहीं खाना है, पर जिस दिन दूध नहीं पीना उस दिन दही खाना है, तो वो पहले खाना चाहिए कि बाद में खाना चाहिए? हाँ यदि देखिए ऐसा है कि यदि एक ही समय पर भोजन है और यदि उसको सब पदार्थ खा रहे हैं हम, तो दूध तो अंत में पी सकते हैं आप, कोई तकलीफ नहीं है, उसके साथ विरुद्ध पदार्थ नहीं आने चाहिए, बस इतनी शर्त है। दही खाना है यदि आप, तो दो विकल्प है भोजन के साथ, या तो भोजन के आदि में खा सकते हैं उसको, अंत में नहीं खा सकते। अच्छा दूध अंत में पी सकते हैं क्या? वो सब नमक वाली चीजें खाई, तेल वाली चीजें खाई और उसके अंत में फिर उसके ऊपर दूध पी सकते? तो पहले भी नहीं पी सकते? अच्छा पहले भी नहीं पी सकते, तो पहले भी नहीं तो भी विरुद्ध होगा ना। आपने बताया कि चलो मैं आगे उसको रख देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे अभी भोजन में जाते हैं लोग, तो उसको मिठाई बहुत पसंद होती है लड़कों को, तो हाँ। वो क्या करते हैं गुजरात में कि वो मिठाई को इतना चाहते हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं, मैं उसकी चिकित्सा करता था, तो पहले दाल भात खा लेते हैं। ऐसे गुजरात में पहले भात और चावल और दाल नहीं खाते हैं, लेकिन ये लोग पहले चावल और दाल खा लेते हैं, फिर मिठाई जम कर खाते हैं मिठाई, और फिर चावल और दाल खा लेते हैं। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले मानो डायरिया हो गया तो चावल दाल निकल जाएगा, मिठाई रह जाएगी, और यदि मुझे वोमिटिंग हो गया तो भी चावल दाल निकल गया, मिठाई तो रह जाएगी, मिठाई चाहिए। तो ये इतनी हास्यास्पद बात है कि दूध खा लिया और बाद में हमने नमकीन खाई तो विरुद्ध नहीं होगा, और नमकीन खाकर दूध खाया तो विरुद्ध, दोनों साथ में तो जाएंगे, आमाशय में तो वो रुकेगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक पैसेंजर आगे गया तो बस चली गई, फिर दूसरा आया तो वो रुकेगा, ऐसा नहीं है, सब एक साथ होगा, पेस्ट एक साथ होगी, बाद में रस बनने क्या तैयार होगा। तो आहार वेट करेगा कि अभी दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो हर एक निवाल आ रहा है, उसके बाद पेस्ट बनेगी आमाशय में, उसके बाद वो आहार अलग रस धातु बनेगी, तो इसके लिए वो भी विरुद्ध हो जाएगा। जी ठीक, कितना गैप रहना है आचार्य जी, कितना गैप रहना है अगर दूध पीना है तो? 2 घंटे का। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आपको जब दूध पीना है तब आप नमकीन न ले उस भोजन में, और जब नमकीन लेनी हो तो दूध छोड़ दीजिए, यही रास्ता है। जैसे आपने दूध दही का बता दिया, ऐसे एक दिन ऐसा कर दीजिए, एक दिन नमकीन है उस दिन दूध नहीं है, तो इस तरह से आप करिए ताकि एक भोजन में विरुद्ध आहार। और मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि जो ऐसा भोजन करते हैं, एक ऐसे तो चरक ने जो बताया है, तो एकासन एकासन भोजनम सुख कराणाम, सुख करना है आपको तो एकासन भोजन श्रेष्ठ बताया है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो एकासन भोजन से बहुत बीमार हुए हैं। उसका कारण क्या? वो एक भोजन में सब कुछ ले लेना चाहते हैं, तो ऐसा अर्थ न करे कि दो भोजन की सभी हम आइटम एक भोजन में ले ले, तो इसमें एक ध्यान रखे कि 3-4 आइटम का एक संकल्प करे कि मैं 4 से ज्यादा नहीं खाऊंगा, और जैन धर्म में तो इसका बहुत महत्व है परिमाण का, तो इसके लिए ये आप रखे कि 3-4 आइटम से ज्यादा नहीं खाए तो नमकीन निकल ही जाने वाली है। जी गुरु जी, एक तो 2 प्रश्न है, एक तो मशरूम किस चीज के साथ खाने से विरुद्ध आहार हो जाएगा, और दूसरा जैसे अभी अभी आपने बताया कि दूध में अदरक और तुलसी नहीं डालनी चाहिए, और क्या चीजें डाल सकते हैं दूध में? दालचीनी, इलायची, काले मिर्च, लौंग वगैरह क्या डाल सकते हैं? सबसे अच्छा तो दूध के साथ अर्जुन का जमता है, तो दूध के साथ अर्जुन आप पी सकते हैं, वो 2-3 बार भी पिया तो हृदय के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे रोगों के ऊपर उसका बहुत अच्छा परिणाम है। तो एक तो दूध का सबसे अच्छा मित्र वो है अर्जुन, अर्जुन का पाउडर। उसके बाद यदि ऋतु बराबर है, गर्म नहीं है, तो काली मिर्च हो जाएगी, यदि और दालचीनी हो जाएगी वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होगी, इलायची हो जाएगी यदि पित्त का रोग है, तो ऐसे बहुत पदार्थ है जो दूध के साथ आप ले सकते हैं। जी और मशरूम किस चीज के साथ नहीं खाना चाहिए? मशरूम दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, मशरूम ऐसे कभी खाना पड़ा तो अकेला ही खाए वो उत्तम है ऐसे पदार्थों को, तो इसके लिए मशरूम आप अकेला खाए कि भाई उसको कुछ भी बनाकर कभी भी अभी खा सकते हैं, तो इस तरह से खाइए, बाकी ये दूध वगैरह साथ में डेयरी प्रोडक्ट के साथ में न खाए। जी
अच्छा जी, रागी और दूध का कॉम्बिनेशन सही है? हाँ मतलब ठीक है, रागी एक प्रकार का क्षुद्र धान्य बताया गया है आयुर्वेद में, तो एक प्रकार का वो धान्य है और वो दूध में मतलब विरोध तो नहीं है उसका, वो दूध का जी, दूध का और धान्य का विरोध तो वो विरोध नहीं है, इतना ही है। फिर ये दोनों को खाकर बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं। आयुर्वेद ने दो प्रकार बताए हैं कि जिसका संयोग कुछ विशेष फल देता हो उसका संयोग करते हैं ना हम लोग, कहीं मानो यात्रा में गए तो आप किसको ले जाते हैं साथ में, मानो एक बैग उठाने के लिए एक आदमी को तो नहीं ले जाते आपके घर पे काम करता है, चलो तुम बैग उठा लेना, क्यों? क्योंकि विशेष काम का कुछ है नहीं, आप अपने मैनेजर को ले जाते हैं तो वो विशेष काम का है अपने साथ। तो आहार में भी ऐसा सोचना है कि भाई ये दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसका विशेष फल तो कुछ है नहीं, ऐसे ही दोनों को किया, तो ये भी ध्यान रखना है। विशेष फल वाले जो है वो बताए हैं कि ये मिल जाएंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो इसके लिए दूध और अर्जुन ऐसे है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, तो ऐसा रागी और दूध ऐसा नहीं। जी आगे गुरुजी प्रणाम। गुरुजी तिथि का हिसाब से जो प्रथमा में कुछ खा सकते हैं क्या, जैसे तिथि पंचिका में दे रखा है पंचांग में? वो ज्यादातर धार्मिक मान्यता है उसमें ज्यादातर होती है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कुछ विशेष विधान से बताया गया है, कुछ पूर्णिमा का कुछ उसका, तो वो दोष के हिसाब से है, उसकी कभी हम बात लेंगे, लेकिन ज्यादातर पंचांग में जो लिखा होता है उसके अपवाद बहुत होते हैं, जैसे तेल कुछ दिनों में नहीं डालना है, लेकिन भृगराज से सिद्ध किया हुआ है तो रोज डाल सकते हैं ऐसा ही बताया है, तो भृगराज से सिद्ध किया हुआ ही तेल आयुर्वेद बताता है आपको कि भाई ऐसा डालना है, तो ये बहुत सारे अपवाद भी इसमें होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना होता है कि इसके अपवाद कौन से हैं। तो आयुर्वेद ने इसके ऊपर बहुत कार्य किया है, इसके लिए इसके बारे में कभी हम बताएंगे कि काल का क्या संबंध है अपने भोजन में, अपने दिनचर्या रूपचर्या में, तो उसकी बात कभी हम लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल पंचांग में लिखा होता है ऐसा ही, वो सब आयुर्वेद को सम्मत ही होता है ऐसा नहीं होता है, वो बहुत कुछ आयुर्वेद को मान्य नहीं होता है। जी दिनेश जी, जैसे अनार गरम करके कभी कभी बच्चे को दिया जाता है, जैसे खांसी वगैरह के लिए, बड़े भी कभी कभी दिया जाता है बड़े को भी, तो वो भी क्या विरुद्ध है गरम करके देना नहीं? क्या अनार को गरम करके? गुरुजी हाँ वो समझ गया, लेकिन वो कभी आप औषध के रूप में दे रहे तो विरुद्ध होने पर भी उसको कभी तो दिया जा सकता है, विरुद्ध मतलब कभी नहीं देना ऐसा तो मतलब नहीं है, तो औषध के रूप में जब आप कोई विशेष योग की बात कर रहे हो तो वो प्रदान हो जाएगा, और तब क्या गुण हो जाएगा, तब आपका विरुद्ध गुण हो जाएगा, क्योंकि एक औषध योग आप कर रहे हैं, जैसे लहसुन के साथ दूध ऐसे विरुद्ध है, लेकिन एक लहसुन का ही पाक बनता है, एक लहसुन का ही रसायन बनता है जो दूध में बनता है, तब वो विधि मुख्य हो जाएगी उसकी, क्योंकि तब वो प्रधान है, तब उसके रोग के लिए ये स्थिति के लिए उसको देना है, तो उस समय वो प्रधान हो जाएगा क्योंकि उसके विशेष गुण देखे जाते हैं। इसके लिए मैं बताता हूँ कि आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे अपवाद है कि भाई ये और ये कब विशेष हो जाएगा, जैसे 10:30 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम जग रहे हैं, 10 बजे सो जाना चाहिए आइडियली मुझे, तो मैं ही बताता हूँ कि समय पर सोना है, लड़के गुरुकुल के पूछते हैं कि आप तो बताते हैं जल्दी सोना है, आप ही 10:30 बजे तक बातें करते रहते हैं, तो हम ये समझाते हैं, बालक बुद्धि है तो प्रश्न तो करेंगे, आपको भी होता होगा लेकिन आप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं वो बताते गुरुजी सबको हमको सुला देते हैं, खुद देर तक बातें करते रहते हैं, तो प्रश्न तो ठीक है, तो मुख्य क्या हो गया, अभी हमारी व्यवस्था को ठीक करना मुख्य हो गया, तो इसके लिए शरीर गौण हो गया, तो इसके लिए हम चलाते हैं ना 10:30 बजे, क्योंकि ये एक कर्तव्य है तो ये हम करते हैं, वही हम यदि अपने रीत से टीवी देखते देखते जग गए तो वो दोष हो जाएगा, लेकिन कुछ अच्छे काम करके जगे तो वो गुण हो जाएगा, तो उसी तरह से है कि आपको कोई विशेष विधि करनी है तब आप यदि उसकी दवाई के रूप में उपयोग करते हैं तो बात अलग है, लेकिन रोज नहीं कर सकते। जी बीना जी। हाँ प्रणाम गुरुजी, मेरे को पूछना था कि इमली के लिए बहुत भ्रमणा है कि कभी बोलते कि वो शीत प्रकृति की होती है, और फिर आयुर्वेद में उसके लिए कई जगह घुटना वगैरह में दर्द हो जाता है तो मना करते हैं आयुर्वेद में, तो इमली कई जगह बोला ठंडक का भी काम करती है,
हाँ तो करती है, और घुटने का दर्द भी करती है, दोनों करती है। आपको क्या कराना है? आप कहोगे कि आप ये करते हो, हाँ मैं करता हूँ, वो भी करता हूँ, हाँ चार पांच काम हो सकते हैं एक आदमी के, तो आपको कराना क्या है इमली के पास? तो आयुर्वेद ऐसा कोई भी द्रव्य के बारे में नहीं बताता है कि इसका कोई गुण ही नहीं है, इसको कभी मत खाना। और किसी द्रव्य के बारे में ऐसा भी नहीं बताता है कि ये बिल्कुल अमृत जैसा है, आप कभी भी खाना। तो ये दोनों से स्टेटमेंट आयुर्वेद में कभी नहीं आएंगे, ये कभी नहीं खाना ऐसा तो जहर के बारे में भी नहीं बताया गया है। उसको भी बताया, आपको यदि जहर गया अंदर तो कोई प्रकार के जहर आप खा सकते हैं, कोई प्रकार के विष की चिकित्सा होती है वहां पर, और कोई प्रकार के यदि बुखार आ गया तो गाय का दूध अमृत होने के बाद भी उसको नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो उस समय जहर हो जाएगा। तो इसके लिए इमली का दोनों वाक्य सही है, किस अवस्था में इमली को गर्मी है, और यदि भिलामा नाम की एक औषधि आती है उसको यदि हमको उसकी साइड इफेक्ट होती है, भिलामा की हम कैंसर के लिए उसके उपयोग करते हैं, भल्ला तक क्षार का, भिलामा को जब हम यहाँ पर क्षार बनाते हैं आप देखेंगे तो उसकी यदि बाष्प आपको लग गई ना आपका, मतलब उसकी जो स्टीम होती है वो निकलती है, पूरी बाष्प निकलती है, वो यदि आपको लग गई तो आपका मुंह पूरा सूज जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा आपका मुंह, इतने हाथ इतने पैर, और भयंकर जलन होगी उसमें। उसका जहर निकालना है तो इमली को बताया है। इसके लिए आयुर्वेद में एक दवाई आती है, उसका नाम है चिच्चा भला तक वटी, चिंचा अर्थात इमली। तो इमली भल्ला तक का विष होता है, भल्ला तक की साइड इफेक्ट को दूर करने वाली एक औषधि है, उसका नाम है इमली। इमली इतना बड़ा काम करती है, इमली गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छा कार्य देती है, भूख में टेस्ट बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य देती है, लेकिन वही इमली से आपके रोग, मतलब जो पेन है वो बढ़ सकता है, वात के रोग कुछ बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों है, आपको किस अवस्था में उसका सेवन करना है, जब आपको सूजन है तब उसका सेवन नहीं करना है इमली का, जब आपको कोई जॉइंट्स के पेन है तब नहीं करना है, लेकिन बाकी की अवस्था में कर सकते हैं आप। जी श्रीनिवास जी, गुरु जी प्रणाम। ये जो अभी बहुत सारे केसेस में ये जो फ्रूट सलाद विद आइसक्रीम, ये तो भयंकर विरुद्ध आहार है जी। फ्रूट सही है, हाँ ऐसे, हाँ ठीक है, पहले तो आइसक्रीम ही विरुद्ध है, उसके बाद उसमें फ्रूट मिला दिया बराबर, किसी कोई आदमी ऐसे ही, कोई आदमी ही ऐसे ही पागल हो उसको दारू पिलाया जाए और उसको यदि बिच्छू ही काट दे तो क्या होता है बराबर, तो इस तरह का होता है कि वो स्वयं ही पाक विरुद्ध है, इस तरह का कोई बनाया ही नहीं जाता है दूध के साथ, या ऐसा कोई भी पदार्थ डालकर उसको अति से ही ठंडा करके, तो ये किया हमने और उसके बाद भी उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उसके बाद उसमें फल डाल दिए, तो ये विरुद्धी हुआ। अब इसमें तो अनेक प्रकार के रोग जो आपने सोचा भी नहीं होता है, और वो हॉस्पिटल में सबसे मुख्य फूड आइसक्रीम है आजकल, आपने दांत निकाला तो आइसक्रीम, आपको जलन हो गई तो आइसक्रीम, आपको कैंसर के केमो दिए गए तो आइसक्रीम, तो हर एक जगह पर आइसक्रीम, जैसे कि यादवी सर्वभूतेशु विद्या रूपेण संस्थित, ऐसा है कि सर्वभूत में शक्ति के रूप में है, ऐसे वो सभी हॉस्पिटलों में आइसक्रीम व्याप्त है आज, इसके लिए रोग भी व्याप्त है। इसके लिए रोग की भी इतनी जो अच्छे नहीं होते, उसका मुख्य परिणाम दांत निकालते हैं कोई भी प्रकार का, उसको यदि हम रूट केनाल करवाते हैं, दांतों की कोई भी चिकित्सा करवाते हैं, जो डेंटल सर्जन होते हैं वो एक बात अवश्य लिखते हैं, आपको आइसक्रीम खाना है, मुंह में कभी भी कुछ हो गया एक बात करते हैं, आइसक्रीम खाना है, गला सूज गया आइसक्रीम खाना है, कैंसर के केमो दे दिए उसके लिए आपको थोड़ा रिलीफ होगा तो क्या खाए, आइसक्रीम खाए। तो ये बहुत बड़ी पुराण है, ये भी एक कथा है इसकी भी, तो इसका आप ध्यान रखें, ऐसे बहुत पद पद पर विरुद्ध आहार है। इसके लिए अनेक प्रकार के व्याधि जो आयुर्वेद ने बताए कि इस प्रकार के व्याधि ये आहार कर सकते है, उससे हम बचाए सबको, तो ये बहुत बड़ा पवित्र भगवत कार्य है कि लोगों के स्वास्थ्य की केवल हानि नहीं हो रही है, मन की बुद्धि की चेतना की सबकी हानि हो रही है, एकमात्र आहार का सिलेक्शन। आज वो काम मंदिर नहीं कर रहा है, आज ये काम संत नहीं करते हैं, तो हमको तो ये काम कम से कम करना पड़ेगा, आहार को समझना पड़ेगा। तो वो हम जितना अच्छी तरह से आहार को समझेंगे उतना हमको परिणाम मिलता जाएगा, मुझे खुद मिला,
कोई कोई आहार द्रव्यों के सेवन से मेरी स्मृति शक्ति गजब की स्मृति शक्ति हो गई और वो आहार द्रव्यों के कारण हुई। कोई कोई की मेरी वाणी अच्छी हुई, कोई कोई आहार द्रव्यों से मेरी स्टेमिना बढ़ी, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, इस तरह से मैं ये ऊर्जा बढ़ी, तो बहुत सारे लाभ मुझे मिले। अनेक पेशेंट को, अनेक रोगियों को जो अलग अलग प्रकार के आहार दिए, उसे बहुत अच्छा परिणाम आया है। तो इस तरह से ही हम आगे बात करते रहेंगे। जिन लोगों के प्रश्न बाकी है वो अगले सेशन में लेंगे और फिर हम कल मिलेंगे। जी आचार्य जी, नेक्स्ट फ्राइडे ये सब सीक्रेट्स आप रिवील करेंगे ना? हाँ, अभी जो हाँ, पता आहार विधि विशेष आयतन विरुद्ध आहार का यहाँ पूरा होता है। विरुद्ध आहार के बारे में प्रश्न रह गए हैं वो हम अगली बार ले लेंगे। तो आप अगले शुक्रवार को या शुक्रवार को, शायद मंगलवार को मैं बाहर जाऊंगा तो नहीं होगा, तो शुक्रवार को तो हम आहार विधि विशेष आयतन लेने ही वाले है। तो उसपे आपके जो प्रश्न है वो भी आप लिख करके रखे तो वो भी हम उस समय ही ले लेंगे। जी सर, कल हम लोग रात को 9 बजे मिल रहे हैं आयुर्वेद सेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर शिव प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आचार्य जी।